कोरोना महामारी के समय में जब एक तरफ तो पूरे देश और प्रदेश में संक्रमण को लेकर भय का माहौल बना हुआ है, संपूर्ण मध्य प्रदेश में प्रशासनिक आदेशों के चलते लॉकडाउन लगा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा लगातार प्रशासनिक अधिकारियों के नाक के नीचे लॉकडाउन के नियमों का लगातार उल्लंघन किया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं सागर जिले के सराफा बाजार की, जहाँ JD मार्केट नामक जगह पर दुकानदारों द्वारा धड़ल्ले से दुकान खोलकर चलाई जा रही थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन लोगों से जब ये पूछा गया कि आपको दुकान खोलने की परमिशन किसने दी, तो दुकानदारों का कहना था कि आप इस मामले में हमारे अध्यक्ष साहब से बात करें। समाज और देश भर में चल रहे लॉकडाउन से बिल्कुल उलट ऐसे असामाजिक तत्व देश और देशवासियों की जान के साथ इस तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं। एक ओर जहां गरीब मजदूर अपने घरों में बंद और दाने दाने को मोहताज हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सोने चांदी के व्यापारी अपनी दुकानें इस समय में भी दिलेरी से चला रहे हैं। इस संबंध में जब हमने कोतवाली थाना प्रभारी नवाल आर्या जी से बात की तो उन्होंने बताया, जानकारी मिली हम लोग के लिए, विजिट पे गए थे तो देखा है सराफा दुकान खुली हुई थी, और सराफा भी कुछ में कार भी कर रहे थे, कुछ मजदूर भी थे, कुछ अन एक्टिविटी भी कर रहे थे। सर, इसको लेकर क्या कहना है आपका? आपने अभी मेरे संज्ञान में ये मामला लेके आए हैं और अभी मैं इसकी तस्दीक करवाता हूँ, और जिन लोगों ने नियमों का उल्लंघन किया उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, ऐसे और भी दुकानें खुली थी, ऐसे हम लोग विजिट पे गए तो कई लोगों ने ताला बंद किए, और भी ऐसे कई दुकान लोग थे जो कहना चाहिए खोले थे और बस धीरे धीरे कहना पॉइंट टू पॉइंट बंद करते निकल गए। कुछ इसमें मोती नगर पॉइंट पर थे, कुछ कोतवाली पॉइंट पर थे। हाँ, निश्चित रूप से कुछ दुकानदार ऐसे हैं जो इस टाइप की अवांछनीय घटनाओं में संलिप्त रहते हैं। वर्तमान में कोरोना कर्फ्यू लागू है और जो इसका उल्लंघन कर रहे हैं उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और सिर्फ सागर शहर में ही नहीं, सागर जिले के सिहोरा क्षेत्र में भी कुछ किराना दुकानदार संपूर्ण लॉकडाउन होने के बाद भी दुकान खोलने से बाज नहीं आ रहे। बिना प्रशासन की परमिशन के भी सिहोरा में कुछ किराना दुकानदार अपनी दुकान का आधा शटर खोलकर लगातार बिक्री में व्यस्त हैं। ना तो इनके पास मास्क है और ना ही किसी भी तरह की सैनिटाइजेशन की व्यवस्था देखने को मिलती है। इस संबंध में जब सिहोरा थाना प्रभारी दिनेश सिंह से हमने बात की तो उन्होंने बताया, सर आप संबंधित सीओरा प्रभारी हैं, सर आपके क्षेत्र में कैसी क्या क्या नची तैयारी है कोविड को देखकर, कोविड कर्फ्यू को देखकर? कोविड कर्फ्यू के देखते हुए जनता को बराबर अवेयर कराया जा रहा है। सुबह शाम अलग अलग समय बदल बदल के गांवों में भी, आसपास क्षेत्र में, सीओरा कस्बा में पर्याप्त अनाउंसमेंट कराया जा रहा है। कोविड प्रोटोकॉल को पालन करने के लिए लोग घर से बाहर नहीं निकले, उसका पालन कराया जा रहा है, घर में ही रखें। किसी प्रकार के शादी समारोह में लोग अत्यधिक भीड़ इकट्ठी न हो, बिना परमिशन के कोई कार्यक्रम संचालित न हो सके, इस चीज़ का सुनिश्चित किया जा रहा है और लोग सहयोग भी कर रहे हैं। जो लोग इसका उल्लंघन कर रहे हैं उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सर, ऐसी कुछ दुकानें खुली मिली ऐसे अभी मुझे, इन पर क्या कार्रवाई करेंगे? उनके विरुद्ध मुकदमा कायम किया जा रहा है बराबर। कई इसके पूर्व में भी कई दुकानदारों के विरुद्ध मुकदमा कायम किया जा चुका है, कपड़ा व्यापारी और जो भी किराना दुकान व्यापारी हैं इनके विरुद्ध किया चुका है। जनता के जो लोग घूमते पाए जाते हैं उनके विरुद्ध भी FIR की गई है, नोटिस दिए गए हैं। इनके लिए खुली जेल का भी है तो कुछ खुली जेल 116 एक सिंह की कार्रवाई की गई है, एक खुली जेल में भी भेजा गया है। लगातार कार्रवाई की जा रही है और उसका अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, जनता का भी सहयोग मिल रहा है, और जो उसका उल्लंघन कर रहा है उनके विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर 24।